हिसार घग्गर ड्रेन में गांव गुड़िया खेड़ा के समीप आई दरार को भरने के लिए पिछले 5 दिनों से जुटे डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की मेहनत आखिर रंग लाई और भारी मशक्क़त के बाद सेवादारों ने शुक्रवार शाम को 100 फीट की दरार को बांध दिया। दरार भरने से बकरियां वाली मोडिया खेड़ा शक्कर मंदोरी रोपाणा गंजा नाथुसरी व ढूंकड़ा सहित दर्जनों गांव के लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि इन गांव में पानी भरने से अब वहां बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से गांव के मनरेगा मजदूरों ने भी मिट्टी के गट्टे भरकर सेवादारों के पास पहुंचाने में काफ़ी सहायता की है। शुक्रवार दोपहर बाद कालांवाली के विधायक शिशपाल कहरवाड़ा, डबवाली के विधायक अमित सिहाग के पिता डॉक्टर केवी सिंह, कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की दिल खोलकर सराहना की है। आपको बता दें, हिसार घग्गर ड्रेन में घग्गर के अलावा जींद हिसार भिवानी हांसी नारनौंद व भट्टू का बरसाती पानी आता है। जब इन स्थानों पर पिछले दिनों भारी बरसात हुई तो ड्रेन में एकाएक ही पानी की मात्रा बढ़ गई, जिससे यह नाथुसरी चोपटा क्षेत्र के गांव दड़बा अरनियावाली व गुड़िया खेड़ा के समीप टूट गई। गुड़िया खेड़ा को छोड़कर बाकी जगहों पर आई दरार को भर दिया गया, लेकिन लगातार हुई बारिश के कारण गुड़िया खेड़ा में दरार को नहीं भरा जा सका। इसके पश्चात जिला प्रशासन ने डेरा सच्चा सौदा से दरार को भरने के लिए मदद मांगी, जिसके पश्चात लगातार डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु इस कार्य में जुटे हुए थे। जो इस दुख की घड़ी के अंदर जब एक नहर टूटकर हजारों किसानों की फसलें खराब हो रही है, तब उन्होंने ऐसा काम जो हमारा सामाजिक काम भी है, धर्म भी बनता है, उसको बखूबी निभाया। तमाम हमारे यहाँ के नज़दीक इलाके के मजदूर साथी वो भी लगे हैं और आप लोगों की मेहनत से ये बांध अब पूरा होने जा रहा है। तो मैं आप सभी को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि आप इसी तरीके से जनसेवा करते रहें और आपके साथ लोगों की दुआएं, प्यार आपके साथ है। धन धन सतगुरु। एक मिनट सुनो, चल रही है क्या? गाँव वासियों की तरफ से, इलाका वासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खास तौर पे सच्चा सौदा डेरा प्रेमी जो साथ संगत जो आई है और जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से दिन रात एकजुट होकर आप इस बांध टूटे हुए बांध को बांधने का काम कर रहे हो, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सभी आपको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपकी संस्था जब जब कोई तकलीफ़ आई है, चाहे कोरोना था, चाहे कभी बाढ़ आई है, चाहे सूखा है, जब जब कोई समस्या आई, आपने एकजुट होकर एक आवाज़ के साथ यहाँ की जनता की सेवा करने का काम किया है। तो हम आपका सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरीके से एकजुट होकर जल्दी से जल्दी इस बांध को बांध कर इन लोगों के यहाँ की जो इस समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। धन धन सतगुरु।